तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं मैड आउट 2। तो अगर जो तुम लोगों ने मेरे पिछले एपिसोड देखे हैं तो तुम लोगों को पता ही होगा कि मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ गद्दारी कर दी थी और मेरी एक गाड़ी फोड़ दी थी और एक गाड़ी चोरी कर ली थी। यार भाई, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। पर लेकिन तुम्हारा भाई ठहरा बदमाश इस सिटी का, छोटा सा मतलब, हाँ छोटा बदमाश, बड़ा बदमाश भी बनेंगे कभी। रुको, अभी एक दो साल दो मेरे को। फिर तुम्हारे भाई ने सीधा अपने दोस्त के बेस पे अटैक कर दिया। और भाई फिर क्या, जो भी भाई सामने आ रहा उसके भाई दे घुसंड, दे लाते, दे मुक्के, जो हाथ में आ रहा वही दे रखा भाई। एकदम साउथ की मूवी के एक्टर की तरह तुम्हारे भाई ने सबको पेल दिया। और जो गाड़ी उसने मेरी चोरी करी थी उस गाड़ी को लेकर मैं वापिस आ गया। और हाँ, उसकी भी एक गाड़ी चोरी कर लाया। चोरी का बदला चोरी से भाई, तभी तो आएगा गेम में मजा। तो भाई इतना तगड़ा कांड करने के बाद मेरे को लगा था कि जो मेरा दोस्त है वो उस फाइट में चल बसा। इस बात का मेरे को बिल्कुल गम नहीं है। बट लेकिन मेरे पास अभी अभी एक खबर आई है कि मेरा जो दोस्त था वो उस फाइट में मरा नहीं था, बल्कि वो उस फाइट से डर के भाग गया था। मतलब क्या मतलब कि वो भाग गया था भाई? वैसे तो वो अपने आप को बहुत तगड़ा बदमाश बने फिरता है, बट लेकिन जब लड़ने की बारी आई तो वो भाग गया। नहीं मतलब भाई, ऐसे बनेगा क्या तू बदमाश? भाई ऐसे बदमाशों को तो नाली में गिरा गिरा के मारना चाहिए। भाई डरने वाली बात ये नहीं है कि वो वहां से बच के भाग गया था, डरने वाली बात ये है कि उसको मेरा फोन नंबर, गाड़ी का नंबर, हाउस नंबर और तो उसको मेरा आधार कार्ड नंबर तक पता है, तो वो मेरे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। तो घुमा फिरा के डरने वाली बात ये है कि वो वहां से बच के भाग गया था। लेकिन तुम्हारे भाई के पास हमेशा प्लान भी तैयार रहता है, जो कि अभी हम लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो भाई मेन बात ये है कि आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग इस पुराने घर को छोड़ने वाले हैं। यार मैं इस घर को इतना प्यार करता हूँ कि मैं इस घर को कभी भी छोड़ सकता हूँ। भाग यहाँ से घटिया घर, मैं जा रहा हूँ अपने नए घर में। दो मिनट पैदल जाऊंगा कि नए घर में, गाड़ी तो उठा लूँ। तो भाई यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है कि हम लोग इन तीनों गाड़ियों को अपने नए घर में कैसे शिफ्ट करेंगे। बट लेकिन टेंशन मतलब, मैंने बोला है ना कि तुम्हारे भाई के पास हमेशा प्लान भी तैयार रहता है। तो भाई हम लोग एक ट्रक मंगवाएंगे। बट लेकिन यार ट्रक तो है ही नहीं मेरे किसी दोस्त के पास, ना ही मेरे पास है। तो भाई अब तुम्हारे भाई को दूसरा रूप धारण करना पड़ेगा, जो कि है चोरों वाला रूप। अब भाई और क्या ही कर सकते हैं, अब भाई चोरी करके लाना पड़ेगा किसी से ट्रक। बाकी यार अभी हम लोग को यहाँ पे फटाफट से इसकी गाड़ी चोरी करते हैं। हटो आंटी जी, आप किसी से लिफ्ट लेके चले जाना, मेरे को इस टाइम पे गाड़ी की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी ये ले। अरे भाई बच, शिट भाई, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैड आउट 2 के अंदर मेरी पूरी जिंदगी चोरी करते करते ही निकल जाएगी। बाकी भाई किस साइड जाऊं जहाँ पे मेरे को एकदम तगड़ा, एकदम बढ़िया सा। अरे ओ गंजे अंकल, तुमने स्कूल में पढ़ा नहीं क्या कि भाई जब सड़क पार करते हैं तो इधर उधर देख के करते हैं, वरना गाड़ी ठोक जाती है, समझ गया? आगे से ध्यान रखियो मेरी इस बात को। बाकी मेरे को लगता है कि वो अंकल टपक गया। नहीं 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 भाई, खड़ा हो गया ये तो, मेरे पीछे क्या भाग रहा है? रुक जा, इसको एक और बार टक्कर देता हूँ। बाकी ये देखो भाई, पुलिस वाले रिवर्स में चला रहे हैं गाड़ी, इनका दिमाग को रहे। देखो गाड़ी से बाहर निकल के, भाई गाड़ी से बाहर निकल के रिवर्स में गाड़ी चला रहा है भाई। यही तो देखने के लिए निकला हूं मैं घर से बाहर कि भाई ऐसे कोई पुलिस वाला मेरे को करतब करता हुआ नजर आ जाएगा। और ये देखो मेरी गाड़ी ठोक रहा है भाई, ये बाहर निकल गया बाहर। खैर यार, ये क्या पकड़ेगा क्या तू मेरे को भाई? तेरे को पता नहीं क्या, अभी पिछले एपिसोड में मैं फैक्ट्री में घुस के पीट के आया हूँ बंदों को, तेरे पुलिस स्टेशन में घुस के भी मार के आऊंगा। वो बात अलग है कि भाई जिस बंदे को मैं मारने गया था वो बच के भाग गया। खैर छोड़ो, बाकी यहाँ पर मैं स्टंट कर सकता हूँ क्या? वो भाई साहब, अरे भाई मजा आ गया भाई इसको करने में तो। रुक जाओ एक और बार करते हैं। ये देखो भाई साहब, यहाँ से एकदम ऐसे वॉल फ्लिप करके दिखाता हूँ तुम लोग। ये क्या जान तो है भाई, देखो गाड़ी में नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं जान नहीं है भाई इस गाड़ी के अंदर। तो भाई अब वक्त आ चुका है एक तगड़ा सा स्टंट करके इस दुनिया को हक्का बक्का कर देने का। ये देखो और भाई साहब देख रहे हो आंटी जी स्टाइल है ना, खतरनाक एकदम। खैर भाई मैं तो यहाँ पे ट्रक टूटने आया था, और भाई ट्रक टूटने के अलावा बाकी सारे फालतू के काम कर रहा हूँ मैं भाई। सच्ची बताऊँ ना, टाइम पे भाई कोई भी चीज़ हम लोगों को नहीं मिलती भाई। जब हम लोगों को ट्रक की जरूरत नहीं होगी ना तो भाई 6-7 ट्रक ऐसे ही मेरे सामने घूम रहे होंगे और उनका ड्राइवर बोल रहा होगा कि आ जा भाई चोरी कर ले। बट लेकिन भाई उस टाइम हम लोगों को सुपर कार्स की जरूरत होती है भाई, ट्रक कौन चलाता है यार? बाकी भाई ट्रक मिलेगा अभी या नहीं मिलेगा, आज का पूरा दिन मेरा ऐसे ही ना निकल जाए कहीं। अरे भाई कच्चे रास्तों पे उतारते हैं भाई, कच्चे रास्तों पे ट्रक मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं,
बट लेकिन मेरे को यहाँ पे सुपर कार्स दिख रहे हैं भाई, मेरा चलाने का मन कर रहा है सुपर कार, बट लेकिन तुम्हारे भाई के पास अभी तक एक भी सुपर कार नहीं है। बट टेंशन मत लो भाई, आ जाएगी। हमारे पास एक मिनी कूपर थी भाई, जो कि भी भाई ब्लास्ट हो चुकी है, बट लेकिन तुम्हारे भाई ने उस मिनी कूपर को रिपेयर कराने के लिए दे रखा है, तो भाई वो जल्दी रिपेयर हो जाएगी और वापस से आ जाएगी हमारे पास। बाकी भाई यहाँ इस कच्चे रास्ते पे भी हम लोगों को एक भी ट्रक नहीं मिला, लगता है मेन रोड पे हम लोगों को अपनी गाड़ी भगानी पड़ेगी। और यहाँ पे एक्सीडेंट, नहीं नहीं बच गया बच गया भाई। वैसे तो तुम्हारा भाई बहुत खतरनाक ड्राइविंग करता है, क्या मतलब कि पहली बार बचाऊं। बाकी छोड़न सब चीजों को, यहाँ पे हमारी गाड़ी ने 200 की स्पीड पकड़ ली थी भाई, देख रहे हो, गाड़ी तो बहुत सही मिली है भाई हमको। बाकी ट्रक मिल जाता तो और मजा आ जाता भाई। इतना तो मैं किसी सुपर कार को ढूंढने के लिए नहीं घूमा जितना मैं इस घटिया से ट्रक को ढूंढने के लिए घूम रहा हूँ। ओके मिल गया ट्रक मिल गया भाई, ये तो स्वच्छ भारत मिशन का ट्रक लग रहा है मेरे को भाई, ये कबाड़ियों वाला ट्रक। कैसे लोग हैं भाई यहाँ के, मेरे को हटा के, मैं तो अच्छा लोग हूँ, बट लेकिन ये जितने भी लोग हैं एकदम बकवास लोग हैं। बाहर निकलो, गाड़ी वाड़ी चलानी आती नहीं है, गाड़ी का बोनट खोल देते हैं ठोक ठोक के भाई यहाँ से। वैसे भाई ट्रक तो मिला नहीं, बट लेकिन तुम्हारे भाई को यहाँ पे एकदम तगड़ी सुपर कार मिल चुकी है। तो भाई यहाँ पर यार देखो कैसे जाम लगा रखा है, एक दूसरे से आगे निकलने के वेट कर रहे हैं। बट भाई तुम्हारा भाई यहाँ पे एकदम स्टाइल में इन्हें टेक ओवर करेगा, ये देखो क्या बात है। देखा जी वैगन वाले, आज मेरा मूड नहीं है गाड़ी चोरी करने का, वरना तेरी जी वैगन भी चोरी कर लेता। और ये क्या घटिया सी ड्रिफ्ट मार रहा है मेरे आगे। बाकी भाई इस टाइम पे मेरा दिमाग खराब हो चुका है ट्रक को ढूंढते ढूंढते, कहीं ये पूरा एपिसोड भाई मेरा ट्रक ढूंढने में निकल जाए। और इस एपिसोड का टाइटल हो फाउंडिंग ट्रक इन फुल एपिसोड। भाई नहीं नहीं यार, ये मैं कैसे यही चीज़ें सोच रहा हूँ। तो भाई अभी मैं सीधा जाने वाला हूँ अपने घर पे, और उन तीनों गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी उठाऊंगा और सीधा चले जाऊंगा अपने नए वाले घर में। तो भाई तुम्हारा भाई यहाँ पे गाड़ी लेके पहुँचने वाला है अपने घर पे, ये देखो भाई स्टंट। यार ऐसे छोटे मोटे स्टंट तो मैं मारता रहता हूँ। अब यहाँ पर तुम्हारा भाई सीधा भाई पार्किंग करने का स्टाइल देख लो तुम्हारे भाई का, ये देखो ऐसे कर तो कचरा उड़ा दिया सारा। खैर पार्किंग करते हैं देखो ऐसे। बाकी आए फटाफट से यहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी उठाते हैं और सीधा चलते हैं अपने नए वाले घर में। तो ओके गाइज, यहाँ पर तुम्हारे भाई ने अपनी गाड़ी उठा लिया और जो हमारा घर है उसकी लोकेशन भी हम लोगों ने मैप में मार्क कर लिया। तो चलो आओ फटाफट से चलते हैं अपने घर में, और इस घटिया से घर की शक्ल अब मैं दोबारा नहीं देखना चाहता। बाकी भाई जहाँ पर वो घर है उस घर की लोकेशन बहुत ज्यादा बढ़िया है, और तो और वो सिटी के बीचों बीच भी है। तो भाई तुम लोगों को उस घर की लोकेशन देख के बहुत ज्यादा मजा आएगा, और भाई घर को देख के तो ऑफकोर्स आएगा ही, क्योंकि भाई तुम्हारे भाई ने एकदम चुन के एकदम खतरनाक घर अपने लिए चूज करा है। बाकी भाई मैं इस गाड़ी से कोई भी फालतू का स्टंट नहीं मारूंगा, क्योंकि भाई टूट गई तो मेरे को खर्चा कराना पड़ता है, चोरी की गाड़ी में ऐसा कोई सीन नहीं होता भाई, टूट गई तो उसको साइड में फेंक दो। बाकी यहाँ पर भाई तुम्हारा भाई गाड़ी लेके पता नहीं अभी तो यहाँ पर भाई जो हमारा घर है वो 800 मीटर की दूरी पर है। वाह मतलब हम लोग पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहा हमारा घर। यहाँ पर थोड़ी सी इंटीरियर से ड्राइविंग करते हैं भाई, देखो ये लाल बत्ती फॉलो कर रहे हैं भाई, कैसे लोग हैं भाई लाल बत्ती फॉलो कर रहे हैं और गाड़ियाँ भी ठोक रहे हैं। तो भाई यहाँ पर तुम्हारा भाई अपनी गाड़ी भगाते भगाते पहुँच चुका है उस लोकेशन पे जहाँ पे हमारा घर है, और भाई ये सामने हमारा घर है। यहाँ पर भाई जो घर की लोकेशन है वो कुछ ऐसी है, और भाई यहाँ पे भाई इस टाइम पे मेरे पे रुका नहीं जा रहा भाई, सीधा यहाँ पे हम लोग अपने घर के अंदर जाने वाले हैं। और दो मिनट, ये मेरे घर के पीछे ये BC किसने लिखा हुआ है भाई, भाई मतलब क्या मतलब, इसे हटवाना पड़ेगा भाई मिस्त्रियों को कह के, कौन से मिस्त्री लगाए थे इसके ऊपर, ये BC क्या होता है भाई। अभी तक हम लोगों अपनी गाड़ी को घटिया सी पार्किंग में पार्क करते थे, बट लेकिन यहाँ पर हमारी गाड़ी यहाँ पर पार्क होके कितनी बढ़िया लगेगी, वो बात अलग है कि गाड़ी थोड़ी सी टूट गई है। खैर ये तो अपना हर बार का है। बाकी अभी मैं तुम लोगों को एकदम मस्त सी चीज दिखाता हूँ, ये देखो जतिनो YT ओनर। और ये 8 क्या है, नहीं ये मेरे को समझ में नहीं आया। बाकी तुम्हारे भाई ने यहाँ पे डस्टबिन भी लगवा लिया है ताकि हमारे घर के बाहर कबाड़ा ना फेंक के जाए कोई, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े बदतमीज है भाई, कबाड़ा फेंक के चले जाते हैं। चलो आओ भाई फटाफट से यहाँ पर हम लोग चलते हैं सीधा हमारे घर के अंदर। दो मिनट, ये घर का दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा, और ये कौन है भाई, ये मुर्गा कौन लेके आया यहाँ पे भाई, ये मुर्गा, खैर ये मुर्गा तो मेरे ख्याल से ये मेरा पेट है। बाकी ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा भाई, कहीं मैं दरवाजों की चाबी घर तो नहीं भूल आया। अबे वो मुर्गे तेरे को पता है क्या ये दरवाजा कैसे खुलेगा। ओके लगता है शायद से मेरे को पता लग गया, दो मिनट। और रे भाई साहब खुल गया, ऑटोमेटिक है भाई, ये देखो एकदम ऑटोमेटिक। रुक जाओ थोड़ी दूर से चला के देखते हैं क्या होगा। बाकी यहाँ फटाफट से यहाँ पे हम लोग थोड़ा बाहर चलते हैं, और भाई यहाँ से खोलेगा तुम्हारा भाई दरवाजा, ये देखो। ये कहाँ गई भाई वो चाबी, चाबी कहाँ गई मेरे घर की, मेरे ख्याल से मेरे को थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। ओके हाँ अब आ गई, ये देखो टैन भाई, देख रहे हो भाई एकदम ऑटोमेटिक सिस्टम करा है तुम्हारे भाई ने यहाँ पे। और ये मुर्गा अब जमीन पे बैठ गया भाई, ये मुर्गा अपना पेट है, बहुत बढ़िया पेट है, बढ़िया। एक आधा अंडा दियो जरा, खैर ये मैं कैसी कैसी हरकतें करवा रहा हूँ इस मुर्गे से। एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा डांस दिखाते हैं, रुक जा मेरा डांस देख,
ये देख, ये नहीं है डांस, रुक जाओ, डांस वाला इमोट कौन सा था भाई, ये है पक्का, ये देख, देखा डांस, उधर मुर्गा खड़ा हो गया भाई, खड़ा हो गया, ताड़िया नहीं, ताड़िया नहीं बजा रहा भाई, ये पता नहीं क्या कर रहा है भाई वहां पे नीचे, रुक जा इसको दूसरा डांस दिखाता हूँ, लगता है इसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ये देख, ओ भाई देखो आ रहा है, इसको इंटरेस्ट आ रहा है भाई, वो नहीं आ रहा उसको तो भाई, नीचे फट्टे में से पता नहीं क्या मिल रहा है उसको। ओके भाई तुम्हारा भाई आ गया घर के अंदर, वाह भाई क्या घर है। ओके बाकी ये सामने वाली साइड में मोमबत्ती क्यों रखी हुई है भाई, ये इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगवा रखी है मैंने घर के अंदर, और इन लोगों को मोमबत्ती जलानी है, और 2 मिनट, ये ड्रॉवर किसने खोला, चोरी हो गई क्या मेरे घर के अंदर, नहीं खैर छोड़ो, ये रहा हमारा बाथरूम भाई, साबुन भी रखी है दो दो वो भी, और सामने शीशा, ये शीशा क्यों नहीं काम कर रहा, बाकी खैर ये रहा हमारा बाथरूम, और शावर कहाँ पे है, ये आधा अधूरा काम करके गए हुए हैं ना मिस्त्री, इनको पीटना पड़ेगा भाई, बाकी यहाँ पर ये रहा हमारा हगने का सिस्टम, बाकी यहाँ पर हमारी खिड़की, 2 मिनट, ये खिड़की गलत जगह क्यों लगाई हुई है भाई, बाथरूम में कौन खिड़की लगाता है, बाकी ये रहा हमारा किचन, ये आलू प्याज, ये क्या सब्जी मेरे खुद बनानी पड़ेगी क्या, बाकी यहाँ पर ये रहा हमारा फ्रिज, अमीरों वाली फीलिंग आ रही है पूरी भाई, ये रहा हमारा टीवी और घड़ी और ये सोफा, चलो सोफे के ऊपर बैठते, 2 मिनट, सोफे, अबे भाई चप्पल क्यों रख रहा है भाई सोफे के ऊपर, 2 मिनट, ये सोफे के ऊपर क्या जर लगी हुई है क्या, मैं सोफे के ऊपर बैठ ही नहीं सकता भाई, क्या क्या पनौती है भाई ये। ओके लेट्स गो, यहाँ पर हम लोगों की स्कूटर पड़ी है, वाह, और ये किताबें, भाई किताबें तो मैं कभी असली में ना पढ़ूं, इन लोगों ने गेम में दे रखी हैं किताबें, वाह गेम में किताबों का क्या काम, बाकी यहाँ पर हम लोग अपने बिस्तर पे लेटने वाले हैं, यस, ये क्या टांगे घुसा दी इसने बिस्तर के अंदर, भाई तू लेट ना उस पे, 2 मिनट, ये लेट क्यों नहीं रहा इस बिस्तर के ऊपर, भाई तबेले में सो सो के पागल हो गया हूं मैं, मेरे को भी इस बिस्तर पे सोना है भाई साहब, ये क्या हो रहा है भाई, मेरे पैसे बर्बाद हो गए क्या। ओके गाइस घर तो हम लोगों ने अंदर से देख लिया, चलो आओ अपना गार्डन देख कर आते हैं भाई कैसा है। ओके भाई ये रहा यहाँ पे हमारा गार्डन, और ये कैसा टेंट लगा रखा है भाई यहाँ पे, बाकी यहाँ पर मेरे ख्याल से हम लोग खेती वेती करते हैं, और 2 मिनट, ये क्या पड़ा हुआ है बाहर वाली साइड में, ये आलू है क्या, ये आलू और प्याज लग रहे हैं मेरे को तो, खैर छोड़ो इन सब चीजों को, बाकी भाई ये रहे वो डब्बे, वो यहाँ से इसके ऊपर, यहाँ से इसके ऊपर, और यहाँ से खिड़की के अंदर, भाई 2 मिनट, हम लोग इस खिड़की के अंदर नहीं जा सकते, बट लेकिन हम लोग अंदर से इस खिड़की से बाहर तो आ सकते हैं ना, वाह ये चीज मैंने पहले की नहीं सोची, चलो आओ फटाफट से भाई अपनी रसोई के अंदर जाते हैं, और वहां से इस खिड़की से बाहर आते हैं, भाई ये मैं पता नहीं क्यों ऊट पटान सी हरकतें कर रहा हूँ अपने घर पे, बट लेकिन ये मुर्गे पागल है क्या तू, बाकी यहाँ पे फटाफट से हम लोग इस खिड़की से बाहर कूदते हैं, 2 मिनट, यहाँ पर तो मिरर लगा पड़ा है, शिट, तो भाई तुम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग इस घर की छत के ऊपर चढ़ सकते हैं कहीं से, भाई अगर जो तुम लोग इस वीडियो के ऊपर 200 लाइक कर देते हो तो भाई मैं इस घर की छत के ऊपर चढ़ूंगा, चाहे मैं कैसे भी चढ़ू इस घर की छत के ऊपर, बट चढ़ूंगा, तुम लोग बस 200 लाइक कंप्लीट करो। तो गाइस अब कहने का वक्त आ चुका है कि आज की इस वीडियो में इतने ही, तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाके लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बहुत जल्द, थैंक्स फॉर वॉचिंग।